So, the Samsung Galaxy G series upcoming smartphone, the Samsung Galaxy G Fold going to launch soon. दोस्तों जब से ये G3 Fold लॉन्च हुआ है Samsung की तरफ से उस टाइम से ही foldable स्मार्टफोन का मार्केट काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब कि foldable स्मार्टफोन काफी डिमांड में है अभी। और रिसेंटली कुछ न्यूज और लीक से ये पता चला है कि इस साल जो Samsung की तरफ से G सीरीज, मतलब जो foldable स्मार्टफोन होते हैं Samsung की तरफ से G Fold सीरीज का अगला सक्सेसर G Fold 4 सीरीज लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन बेहतर होंगे इन टर्म्स ऑफ डिजाइन और कैमरा क्वालिटी। और रिसेंटली कुछ लीक से हमें ये भी पता चला है कि स्मार्टफोन में बेटर कैमरा देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन में बेस्ट 3x जूम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ जूमिंग कैमरा फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी में ये स्मार्टफोन काफी इम्प्रूव रहने वाला है। सो आगे बात करेंगे वीडियो में कि कैमरा परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है और हमें कैमरा में कौन कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट जी फोल्ड सीरीज, और यहाँ पर क्या कुछ नया रहेगा, डिजाइन में चेंजेस क्या कुछ रहने वाला है, हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करो ताकि हमारे टेक कम्युनिटी आगे ग्रो हो। सो इस बार हमें सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4 देखने को मिलेगा और ये लॉन्च होगा बहुत ही जल्द, और इसका जो भी लीक्स और रेंडर्स वगैरह आ रहे हैं इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें जो भी लीक्स हुए हैं इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर सैमसंग के जो भी स्मार्टफोन अब तक लॉन्च हुए हैं उनमें से बेस्ट एवर 3x जूम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन का जो कैमरा फीचर्स है काफी इम्प्रूव्ड रहने वाला है। और कुछ लीक से ये भी पता चला है कि स्मार्टफोन में S22 अल्ट्रा या फिर S22 प्लस का जो कैमरा मॉड्यूल है ये सेम देखने को मिलेगा, मतलब G Fold 3 से बहुत कुछ इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहेगा जो कि मेन सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल। यहाँ पर कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं, सो ये सब एक्सपेक्टेड फीचर्स है, और ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है तो हमें कैमरा में कौन से सेंसर रहेंगे और प्रोसेसर वगैरह क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स नहीं आया है। और यहाँ पर हमें बैटरी वगैरह और डिज़ाइन की बात करें तो बैटरी में यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 4500 mAh बैटरी होगा विद 80W फास्ट चार्ज, और यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जिंग जो कि सपोर्ट करेगा 50W का देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में हमें 6.2 इंच कवर डिस्प्ले और जो मेन स्क्रीन है वो 7.6 इंच मेन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट वर्जन से तो यानी कि लास्ट G Fold 3 से तो वाइडर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और जो मेन डिस्प्ले होगा वहां पर हमें इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 मेगापिक्सल, और ये भी इम्प्रूव रहने वाला है एज कम्पेयर टू लास्ट मॉडल। और स्मार्टफोन में डेडिकेटेड एसपेन वगैरह नहीं रहेंगे, इसी अपकमिंग सीरीज में हमें कैमरा में इम्प्रूव देखने को मिलेगा, फोटोग्राफी काफ़ी एनहेंस देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में हमें बेस्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो आगे देखते हैं और क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आने वाला है और यहाँ पर ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।